हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे डाइपर से रिलेटेड बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन। बच्चे को डाइपर कब से पहनाना चाहिए, डाइपर पहनाने से क्या नुकसान हो सकते हैं, डाइपर पहनाते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए और कब बच्चे को डाइपर नहीं पहनाना चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप हमारी सभी पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं बच्चे को डाइपर पहनाने से क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर हम सावधानी नहीं रखते हैं तो बच्चे के डाइपर रैश हो जाते हैं, जो कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बड़े बड़े दाने का रूप ले लेते हैं, जो बच्चे को बहुत परेशान करते हैं। कुछ केसेस में फिर डॉक्टर को भी दिखाना पड़ सकता है। अगर आप कुछ बातों का, जो आगे बताई जाएंगी इस वीडियो में, उनका ध्यान रखते हैं तो डाइपर पहनाने से बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे को डाइपर कब से पहनाना चाहिए। तो आप डे वन से डाइपर बच्चे को पहना सकते हैं, बट प्रॉपर साइज़ का जो डाइपर आता है वो ही अपने बच्चे के लिए चूज़ करें। अब बात करते हैं कि डाइपर पहनाते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। फर्स्ट है, हर 3 से 4 घंटे में बच्चे के डाइपर को चेंज कर दें। रात के समय आप पूरी रात पहना सकते हैं, क्योंकि बच्चा सोया होता है और वो ज़्यादा सुसू नहीं करता, जिससे डाइपर कम हैवी होता है। लेकिन दिन के समय में 3 से 4 घंटे में आप डाइपर चेंज करते रहें। नेक्स्ट पॉइंट है, थोड़ी थोड़ी देर में चेक करें कि बच्चे ने पॉटी तो नहीं कर ली, क्योंकि बच्चा डाइपर में पॉटी कर लेता है और हम चेंज नहीं करते हैं, तो थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि बच्चे का बहुत रेड हो जाता है वो एरिया और वो रैशेज़ बन जाते हैं। इसलिए जैसे ही बच्चा पॉटी करे, चाहे आप कहीं भी हैं, पब्लिक प्लेस में है, तुरंत डाइपर को चेंज करिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जब आप बच्चे के डाइपर को उतारते हैं तो उसके बाद में कोकोनट ऑयल या डाइपर रैश क्रीम उस एरिया में ज़रूर लगाइए, जिससे आप देखेंगे कि बच्चे को डाइपर रैश कभी नहीं होंगे। अगर आप पूरे दिन बच्चे को डाइपर पहनाते हैं तो कम से कम उसे 3 से 4 घंटे तक बिना डाइपर के रखिए। यानी आप उसे कॉटन की पैंट पहना सकते हैं या कुछ और नॉर्मल पैंट पहना सकते हैं, निक्कर पहना सकते हैं, बट कम से कम 3 से 4 घंटे तक उसे बिना डाइपर के रखिए, जिससे थोड़ी ओपन एयर के कॉन्टैक्ट में आता है बच्चा और वो एरिया हील होता है। अब बात करते हैं कि बच्चे को डाइपर कब नहीं पहनाना चाहिए। जब बच्चे के डाइपर रैश हो रहे हैं, उस टाइम पर बच्चे को डाइपर नहीं पहनाना चाहिए। इससे डाइपर रैश को हील होने में बहुत टाइम लग जाता है। उस टाइम पर आप सिर्फ कॉटन की पैंट पहनाइए उसे। अगर ठंड का मौसम है तो वूलन पहना सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर डाइपर मत पहनाइए। बात करते हैं कि डाइपर से रिलेटेड कुछ मिथ्स हैं जो लोग हमसे कहते हैं, तो क्या ऐसे मिथ्स हैं। पहला मिथ है कि डाइपर पहनाने से बच्चे की स्किन ख़राब हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप प्रॉपर केयर से बच्चे को डाइपर पहनाते हैं और अच्छी क्वालिटी का डाइपर पहनाते हैं, तो उसकी स्किन पे कोई असर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट मिथ है कि डॉक्टर डाइपर पहनाने को मना करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर डे वन से बच्चे को डाइपर पहनाने को बोल देते हैं, क्योंकि अगर आप डाइपर नहीं पहनाते हैं तो बच्चा कुछ टाइम के लिए भीगा रह सकता है, गीली लंगोट में रह सकता है, जिससे उसे सर्दी जुकाम होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए डे वन से डॉक्टर डाइपर पहनाने को रेफ़र करते हैं। दोस्तों, ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपके बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए। आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो कमेंट करके बताइए और शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।